A very good afternoon to all the esteemed guests present here. Lucky are we to perform today before you. Education is the passport to the future. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. From the gurukuls to the contemporary education system, there have been several changes, but we have not been able to develop a perfect education system catering to the needs of all the students. स्वामी विवेकानंद का कहना था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। केवल मेरिट व अंकों की होड़ में शिक्षा प्रदान एवं प्राप्त करना उचित नहीं। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी होगी जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो। तो आज इसी शिक्षा प्रणाली के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आए हैं हम आलकॉन इंटरनेशनल स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, जो एक नुक्कड़ नाटक द्वारा आप सभी के साथ शेयर करेंगे कुछ अनुभव, कुछ सुझाव और कुछ आशाएं जो हम आपसे रखते हैं। हमारा ये प्रयास व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि यथार्थ को प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारा विश्वास है कि आप सभी को हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आप सबको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम ऐसा और क्या कर सकते हैं। That we can proudly say, no, we are not superheroes. We are something even more powerful. We are educators. We don't need a cape because we are lifted by the amazing and inspiring kids we teach. Thank you. लगता है बड़े होकर हीरो बनेगा। अरे तुम करो, हीरो बनेगा।
अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर नहीं बनेगा। तू जीरो बनेगा, तू कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे आगे का हुआ वो हुआ, आगे खुद ही देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी, आपने देखा था ना मुन्नी का हाथ, कुछ बताइए ना, बड़ा होकर क्या बनेगा? जी हाँ, हाथ देख कर आया हूँ। रेखाएं बताती है बड़ा होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेल कूद में? ये आप क्या कह रहे पंडित जी, जरा गौर से देखिए, इसे तो मेरी तरह एक सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना होगा। खेल कूद में क्या रखा है, सुना नहीं आपने? पढ़ोगे देखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। बात करना ही बंद कर दिया। अब
बार बार दोस्ती करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लीजिए ये जनाब है हाई एक्सपेक्टेशंस के शिकार और ये लोग अलग अलग तरीकों से चिढ़ा कर करते हैं इनके सत्कार। इसका मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है पढ़ाई, बल्कि कई इश्यूज से लड़ रहे हैं ये, अपनी अपनी जंग अपनी अपनी लड़ाई। हाँ तो और भी मुद्दे के बारे में बताइए ना। लीजिए तो नेक काम में देरी कैसी और पीछे पीछे आ रही है ना। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। करण व्हाट इज दिस, कम हियर। नथिंग मैम। व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी। नथिंग मैम। हमें लाना होगा एक टीचर।
ये कहते हैं कि सही समय आ गया सिस्टम में चेंज लाने का। यू तो हम बहुत कहा करते हैं बी द चेंज यू विश टू सी, फिर हम खुद ही बदलाव लाने से क्यों डरते हैं। बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाएंगे आप बदलाव? हम क्या चाहते हैं कविता के रूप में बताते हैं। चलिए आज हम इसे एक नया तरीका अपनाते हैं। तो कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर दर की ठोकरें ना खाता, सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों पर नहीं हकीकत में भी हो पाता। हकीकत में भी हो पाता। काश कि ऐसा होता मेरी नौकरानी की बेटी कोई मिलता पढ़ने का मौका, कुछ स्कूलों ने EWS के नाम पर उसे ना दिया होता तो था। काश कि ऐसा होता कि आज के बच्चे भी दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, ना पढ़नी पड़ती अखबारों की वो सुर्खियाँ जिसमें लिखी होती खबरें रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि सभी टीचर्स बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते, उनके रास्ते में आए हर पत्थर को अपने शिक्षा रूपी शस्त्र से हटा पाते हटा पाते। काश कि ऐसा होता कि हमारे देश में ही मिल पाते हमको नौकरी के सुनहरे अवसर, यहाँ के बेस्ट एजुकेशन लेकर लोग दूसरे देशों में जाके ना बनते अवसर ना बनते अवसर। काश कि ऐसा होता कि मैं DJ या RJ बनना चाहता हूँ ये सुनकर मेरा मजाक ना उड़ाया जाता, बल्कि इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशंस के बारे में स्कूल या कॉलेज लेवल में भी बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, चेंज बहुत लाना है, आज के लिए इतना ही काफी है, कॉन्सेप्ट को आगे भी तो बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो हम कौन सा एकता कपूर के सीरियल की तरह हजार एपिसोड करने आए हैं। यू यही तो कहते हैं कि हम इस देश का भविष्य है, तो जरा आपसी बातचीत करके